हापुड़ के कांग्रेस जनों ने बुधवार को भाजपा नेता अनुराग ठाकुर का पुतला फूंका। जिला अध्यक्ष मिथुन त्यागी और शहर कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक गोयल के संयुक्त नेतृत्व में कांग्रेस जन अधरपुरा चौराहा स्थित नेहरू प्रतिमा पर एकत्रित हुए और नेहरू प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात कांग्रेस जनों ने बीच चौराहे पर पहुंचकर सदन में भाजपा नेता अनुराग ठाकुर द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में उनका पुतला जलाया। कांग्रेस जनों ने जमकर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक गोयल ने कहा है कि भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को संसद में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिससे क्षुब्ध होकर कांग्रेस जन पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आह्वान पर भाजपा नेता का पुतला दहन कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष मिथुन त्यागी ने बताया कि मंगलवार को बजट बहस के दौरान भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उनकी जाति पूछते हुए कहा था कि जिसे खुद अपनी जाति का नहीं पता वो व्यक्ति संसद में जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। भाजपा नेता के इसी बयान से पूरे देश और देश की संसद में ये बवाल मचा है। पूर्व विधायक गजराज सिंह ने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे भाजपा के नेता को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की ओछी टिप्पणी कतई नहीं करनी चाहिए थी। गजराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर की गई अभद्र टिप्पणी के लिए भाजपा नेता को पूरे देश के समक्ष माफी मांगनी होगी, तभी कांग्रेसजनों का आक्रोश शांत होगा। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा जातिगत जनगणना की मांग से बौखलाई हुई है, इसलिए दिन प्रतिदिन भाजपाई नेताओं द्वारा राहुल गांधी पर व्यक्तिगत अभद्र टिप्पणियां, गाली गलौज की जा रही हैं। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष सैयद अयाजुद्दीन, डॉक्टर वीसी शर्मा, आईसी शर्मा, ज्ञानेंद्र गुप्ता, मुकेश कौशिक, नरेश भाटी, रघुवीर सिंह एडवोकेट, खेम सिंह सहारा, खालिद खान, मनोज कौशिक, गौरव गर्ग, विकास त्यागी, आशाराम शर्मा, हसन आतिफ, विक्की शर्मा, भरतलाल शर्मा, जितेंद्र अग्रवाल, सुबोध शास्त्री, राहत चौधरी, जस्सा सिंह, शहजादा चौधरी, नरेश करदम, पप्पू धींगान, चमन शर्मा, राजेश सैनी आदि कांग्रेसजन उपस्थित रहे।